सीकर के कोतवाली थाने में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। मेडिकल फर्म चला रहे मालिक ने व्हाट्सएप के जरिए अपना सामान ऑर्डर किया था। उसके बाद दुकान मालिक ने 3 बार में ऑर्डर के 1,75,578 रुपए भी पे कर दिए थे। पैसे मिलने के बाद ना तो ऑर्डर की डिलीवरी की गई और ना ही फर्म मालिक के पैसे लौटाए जा रहे थे। अपने साथ हुई ऑनलाइन ठगी का पता चलने के बाद फर्म मालिक ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। कोतवाली थाने में प्रमोद अग्रवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी राम मंदिर सीकर के पास सर्राफा मेडिविजन के नाम से फर्म है, जो पिछले 20 सालों से चल रही है। फर्म के जरिए मुख्य कार्य मेडिकल और सर्जिकल आइटम बेचने का है। इसके लिए राजस्थान और अन्य राज्यों से भी आइटम खरीदने पड़ते हैं। इन्हीं कुछ आइटम के लिए उनके पास मुंबई की एक फर्म NM ट्रेडिंग का के व्हाट्सएप से कर्मचारी ने आइटम की फोटो भेजी। कर्मचारी को व्हाट्सएप के जरिए ही उसने अपना ऑर्डर भी दे दिया था। ऑर्डर के बाद उसने ऑर्डर का बिल भेजा और उसी बिल के आधार पर उन्होंने ऑर्डर का पेमेंट कर दिया। प्रमोद अग्रवाल ने बताया कि ऑर्डर का पेमेंट करने के बाद कर्मचारी का वापस मैसेज आया, जिसमें उनसे ऑर्डर से ज्यादा सामान भेजने की बात कही। उसके बातों में आकर उसने उसका भी पेमेंट बैंक के जरिए कर दिया। अभी तक उसने 1,75,578 रुपए का पेमेंट ऑर्डर के नाम पर कर दिया, लेकिन पैसे भेजने के बाद अब कंपनी का कर्मचारी फोन नहीं उठा रहा और ना ही माल भेज रहा है। अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद प्रमोद अग्रवाल ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं मामले की जांच हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह कर रहे हैं। पुलिस व्हाट्सएप नंबर के आधार पर जांच में जुटी हुई है।